नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को कांग्रेसियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एकत्र होकर कमिश्नर कार्यालय तक पदयात्रा के उपरांत धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल के नाम संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोग पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई जाति धर्म देखकर सिर्फ विपक्ष के लोगों पर हो रही है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर चेतावनी दे रही कि अभी भी वक्त है, सरकार चेत जाए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस का एक ही कार्यकर्ता हर जिले में हर ब्लॉक में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही देनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में बड़ी घटनाओं को गिनाते हुए जघन्य अपराध में श्रीराम मंदिर में साफ सफाई करने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ 3 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। महोबा में चरखारी कस्बे के मोहल्ला बजरिया निवासी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या। वाराणसी के चौबीपुर में 6:30 सिगरेट न देने पर 5 विक्रेता शारदा यादव की गोली मारकर हत्या। अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में शाहबाज फोडोरे मेले में दबंग ने लोगों के ऊपर थार चढ़ा दी। बता दें, जौनपुर निवासी मंगेश यादव की फर्जी पुलिस एनकाउंटर में हत्या। झांसी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार, खुद अपने आप में कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रहा है। आप उषा साहब बोलिए, आज आप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है, किन मुद्दों को लेकर रहा है पूरा प्रदर्शन और क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी आम जनता की बात सुनी नहीं जा रही, पुलिस के पास जाने से लोग डर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, उसको लेके पूरे की पूरे 18 मंडल में माननीय अजय राय जी के निर्देश पे, राहुल गांधी के निर्देश में आज कांग्रेस यहाँ धरना प्रदर्शन देने आए हैं। हमारे साथ यहाँ के आजमगढ़ के लोग हैं, आजमगढ़ के जिला शहर अध्यक्ष हैं, मऊ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मऊ के जिला शहर अध्यक्ष हैं, हमारे देवरिया के जिला अध्यक्ष हैं, हम सब लोग यहाँ पे आज धरना देके ज्ञापन देने आए। ज्ञापन मांगे क्या रही आपकी? मांगे ये हैं कि ये लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका काम है कि गुण और दोष और न्याय के आधार पे जनता की सेवा करना, ये ना कि भाजपा के चमचे बन के उनके काम करना और ये देख के कि बीजेपी का कार्यकर्ता है या किसी वर्ग विशेष का, जाति विशेष का है, ये काम करना इन अधिकारियों को कतई शोभा नहीं देता। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए चेताने के लिए, 18 मंडल में धरना दे रहे हैं कि अभी वक्त है, आप जाग जाइए, नहीं तो इसके बाद कांग्रेस का वर्कर हर जिले में हर ब्लॉक पर रोडों पर उठ खड़ा होकर संघर्ष करेगा, जिसकी जिम्मेवारी आपको और जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। मैं शीला भारती, कांग्रेस कमेटी महिला जिला अध्यक्ष। अच्छा, किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है, बैठक क्या है? ये आज मंडल में, हमारे आजमगढ़ मंडल का ये धरना प्रदर्शन है, 3 जिले का, मऊ, आजमगढ़, बलिया, 3 जिले का। और ये धरना इस मुद्दे को लेकर के है कि आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कारी, चोरी, छिनैती, डकैती होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर के मंडल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी के खिलाफ जो झूठी आवाज़ें, जो झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, हम लोग उसका घनघोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि उनके साथ ऐसी टिप्पणी न किया जाए। हमारे भारत में अगर कोई पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी, वो गरीबों की पार्टी थी, गरीबों का खेत खरियान से लेके खुशहाल रखती थी, वो रोजगार देती थी, वो गरीबों के हित की बात करती थी। और यह सरकार ऐसी आई है कि तो गुंडों की बात करती है, ये तो महंगाई पर बात करती है, ये बेबिचारी की बात करती है, जो आदमी सही बोलता है उसको देशद्रोही बताती है सरकार। हम लोग ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने का कार्य कर रही हैं। अभी तो ये हम लोगों का शुरुआत है, अभी तो ये हम लोगों का अग्राई है, आगे फिर भी लड़ाई है, इन लोगों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं इतना कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ